जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ आप फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं? निश्चय ही, और बड़ी अपेक्षाओं के साथ। और हमारे वरिष्ठ नेता और आदरणीय संसदीय मामलों के मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी वहां पर रहने वाले हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। और हमें विश्वास है कि जिस विकास के एजेंडा को लेकर के बीजेपी और पीडीपी एक साथ आए हैं, इस एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार समूचा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में विकास यात्रा पर एक बड़ी तीव्र गति से निकल पड़ा है, इस विकास का पूरा पूरा लाभ प्रदेश जम्मू कश्मीर को भी हो। किसी भी प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ की हुई ये जनहित की योजनाओं से प्रदेश जम्मू कश्मीर वंचित ना रहे, इस संकल्प और इस समर्पण के साथ पीडीपी और बीजेपी आगे बढ़ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं भी हैं और जनता को ये अपेक्षा भी है। सर, कांग्रेस शपथ ग्रहण समारोह का बॉयकॉट कर रही है, ये उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि बहुमत एक मिला था दो पार्टियों को, पीडीपी और बीजेपी को, और जनाधार का सम्मान करते हुए यदि दो पार्टियां गठबंधन बनाती हैं तो किसी और बिंदुओं को लेकर के जिससे इनका कोई संबंध नहीं, यदि आप बाइकॉट करते हैं तो मात्र राजनीति की खातिर है। परंतु इस समय सबके लिए चिंता का विषय ये होना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की हुई इस विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर पूरी की तरह भागीदार बने, और ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। राजनीतिक दल कोई भी हो, राजनीतिक लकीरों से ऊपर उठ करके जनहित में हमारा ये दायित्व है प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रति।